global advertiser for innovative outdoor solutions. काजल यादव का आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनको इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कभी कुछ खास उपहार किसी को भी जन्मदिन का पेश किया होगा। उनके लविंग मदर हैं मायाता जी, उनकी जो हैं माया यादव जी, उन्होंने दो फिल्म के रूप में उनको एक शानदार सा उपहार दिया है। एक फिल्म का नाम है चोरनी और दूसरी फिल्म का नाम है सीता और गीता। एक माँ का ये जो विश्वास है, जो उन्होंने दो फिल्में अपनी बेटी को जन्मदिन के लिए उपहार में दिया है, ये दोनों फिल्में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हों, सुपर डुपर हिट हों, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी माया जी के लिए और काजल के लिए। और अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल ये है कि जब कोई माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, खासकर हमारे भारत देश में अक्सर ऐसा होता है कि बेटियों को माँ सपोर्ट नहीं करती, बाहर निकलने की पाबंदियाँ होती हैं कहीं पे, तो फिल्मी दुनिया में अगर माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करे तो कितना उस चीज को रियलाइज करके देखते हैं? देखिए, विकृत मानसिकता के जो लोग हैं वो अपनी बेटियों को किसी भी दुनिया में जाने के लिए रोकते हैं। मेरी भी एक बेटी है, क्यूट सी बेटी है, अभी वो 2.5 साल की है, लेकिन जब वो बड़ी होगी तो मैं उसे पूरी आज़ादी दूंगा कि वो अपना कैरियर चुन सके। और माया जी यकीनन काबिले तारीफ़ है, बधाई की पात्र हैं, तारीफ़ की पात्र हैं एक्चुअली, कि उन्होंने अपनी बेटी को फिल्म लाइन में होने के बावजूद फिल्म लाइन में लेकर के आई, और फिल्म लाइन में लाने के बाद इतना सपोर्ट कर रही हैं वो। और मैं इसके लिए माया जी को दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, दिल से शुक्रगुजार हूं उनका कि माया जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, दो दो फिल्में प्रोड्यूस की अपनी बेटी के लिए। और उनकी ये दो फिल्में इस साल इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो कि अगले साल वो 4 फिल्मों का मुहूर्त करें। फिल्म में नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पे ये सोच करके नहीं आया हूँ कि फिल्म में क्या। माया जी भी मेरी अच्छी दोस्त हैं, माया जी के साथ मैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है डेफिनेटली, अगर मेरे लायक कभी कोई ऐसा चीज़ होगा माया जी के प्रोडक्शन हाउस से, जब माया जी मेरे पास ऑफ़र लेके आएंगी और उनको लगेगा कि ये रोल यश जी के लिए परफेक्ट है, इस फिल्म में यश जी होने चाहिए, और मुझे ऐसा लगेगा कि ये रोल यश कुमार के करने के लायक है, तो यश कुमार उस फिल्म का हिस्सा होंगे। और अभी तो जैसे दोनों फिल्में फीमेल ओरिएंटेड हैं, चोरनी और सीता और गीता, तो इन दोनों फिल्मों के लिए माया जी को और काजल को बहुत 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 शुभकामनाएं। 2018 में रॉक कर जाए ये दोनों फिल्में, ऐसी शुभकामनाएं। यश कुमार को लोगों ने बहुत अलग अलग रूप, अलग अलग आने वाले इस साल करीब 5 अवतार में देखेंगे लोग मुझे, 5 रूप में देखेंगे। नागराज में मुझे नाग के अवतार में देखेंगे जो बिल्कुल अलग है, मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 है, उसमें मुझे एकदम अलग देखेंगे। मैं बिल्कुल फाइट नहीं है मेरी, एक्शन के रूप में लोग मुझे जानते हैं, लेकिन इस फिल्म में बिल्कुल एक्शन नहीं है, जिसका नाम है मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2। और फिर उसके बाद मुझे मोहब्बत जिंदाबाद में एक लवर बॉय के रूप में देखेंगे, सब्जी बेचने वाले, एक लव स्टोरी है वो। और उसके बाद से फिर एक फिल्म, उसका टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है, टाइटल फाइनल होगा तो मैं बताऊंगा, जिसमें मैं जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक का रोल कर रहा हूं, एकदम चैलेंजिंग रोल है। तो कई ऐसी फिल्में हैं, इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह हैं जो बहुत जल्दी फ्लोर पे जाने वाली है, तो अलग अलग फिल्में हैं, अलग अलग रूप हैं, वक्त के साथ साथ आप सबको अपडेट मिलता रहेगा, आप सब यश कुमार को नए नए अंदाज में, नए नए अवतार में देखते रहेंगे। मैंने की है उसमें बड़ा गेस्ट अपीयरेंस था खेसारी भाई का, कसम पैदा करने वाले की, हालांकि कसम पैदा करने वाले की भोजपुरी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी फिल्म को एक दिन में 28 लाख लोगों ने देखा हो, लेकिन यूट्यूब पे उस फिल्म को एक दिन में 28 लाख लोगों ने देखा है, तो मैं उसका श्रेय अपनी पूरी टीम को देता हूँ, स्पेशली उस कुत्ते बंदर को देता हूँ जो भोजपुरी फिल्म में पहली बार आए, खेसारी भाई को देता हूँ जिन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया। तो खेसारी भाई के साथ काम करके अच्छा लगा, जब भी हम मिलते हैं एक अच्छे दोस्त के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में हमेशा मिलते हैं, और पर्दे पे भी हम बहुत जल्दी एक साथ धमाल करेंगे, कुछ रॉकिंग करेंगे। ओके जी।
global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.